नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी लल्लनटॉप देख रहे हैं। लल्लनटॉप की टीम इस समय दुमका में है, जिसे संथाल परगना की राजधानी कहा जाता है, झारखंड की उपराजधानी कहा जाता है। ये शिबू सोरेन, जो दसोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उनका गढ़ है। उनके बेटे हेमंत सोरेन, जो पूर्व सीएम हैं और इस समय जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से एक बार फिर मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने लुईस मरांडी को, जो मंत्री हैं, उनको उतारा है। पिछली बार जो है कि लुईस मरांडी ने हेमंत सोरेन को हरा दिया था, लेकिन एक बार फिर हेमंत सोरेन ने यहाँ के लोगों पर भरोसा दिखाया है और फिर से मैदान में है। हालांकि इसके अलावा वो एक और सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो है बरहेट सीट। यानी इस बार भी हेमंत सोरेन जो है कि दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि जब वो सीएम थे, उसके बावजूद दुमका के लोगों ने उन्हें नकार दिया था। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 सालों में क्या बदला है, लुईस मरांडी को उन्होंने चुना, उन्होंने क्या काम कराया है, क्या हेमंत सोरेन के प्रति लोगों में कोई हमदर्दी है, क्या फिर से उन्हें चुनाव जिताना चाहते हैं कि नहीं। हमारे साथ एक अंकल है, आइए बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हरि मंडल उर्फ झारखंडी लालू। झारखंडी लालू हैं आप? हाँ, हाँ। अच्छा, तो आपको लोग क्यों झारखंड के लालू क्यों कहते हैं? इसलिए हमको झारखंड के लालू बोलते हैं कि ताकि लालू यादव और हम दोनों हम सकल हैं। अच्छा, हम सकल हैं आप? अच्छा, एक बिहार में है वो और झारखंड में हम हैं। अच्छा, तो झारखंड में तो वो भी आ गए हैं लालू जी, रांची में है। हाँ, रांची में हॉस्पिटल में है। उन्होंने कहा था कि जब तक आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा, है? आप कब तक हैं यहाँ पे? जब तक लालू बोले रहेंगे, जब तक आलू रहेगा तब तक हम भी रहेंगे, लालू के साथ ही रहेंगे। यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या है? यहाँ का राजनीतिक समीकरण इसलिए है कि दो पार्टी लड़ रही है, एक आपका लुईस मरांडी और दूसरा आपका झारखंड का जो आपका हेमंत सोरेन, जो दोनों में टकराव इसलिए हो रहा है ताकि एक बरस पहले हेमंत सोरेन हार गए थे और लुईस मरांडी जीत गए थे। अब इसे जीत रहा है जो नरेंद्र मोदी के चलते आपका दुमका में इतना जोर से भाषण हुआ कि आज तक जिंदगी में कोई देखा नहीं था। कल नरेंद्र मोदी आए थे, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी बात कर ली है। तो उसके बाद क्या समीकरण बदला है? समीकरण इसलिए बदला है कि ताकि वो कल वहाँ से भाषण देगा, वो चलेगा साहेबगंज। अच्छा, और दूसरी बात है कि दुमका में जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, सो आपका दोनों पार्टी में कोई एक पार्टी निकले गई। ये तो हर कोई जानता नहीं कि दोनों पार्टी में से एक पार्टी तो निकलेगी। चांस देखिए, अगर हमसे पूछिएगा तो हम बता देते हैं, हल्ला गुल्ला गोल के साथ एक आदमी का चांस हो सकता है, वो कमल फूल। मतलब आप कह रहे हैं कि लुईस मरांडी फिर से जीत रही है? हाँ, लुईस मरांडी फिर दोबारा जीत रही है। अच्छा, आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं दुमका के? दुमका का मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है और उसके बाद शिक्षा का मुद्दा है। यहाँ तो सारा मुद्दा तो पड़ा हुआ, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। आज 5 साल के दरमियान में लुईस मरांडी बताया जाए कि क्या काम किया है? वो तो मंत्री भी है, कोई काम नहीं किया, खाली झूठ फूस का लुईस मरांडी। आज जब से बीजेपी हमारे देश के अंदर में है, तब से जातिवाद में बांट के रख दिया है। अच्छा, इस समय जो है कि देश के कई हिस्सों में NRC और नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विरोध, वही इसका एक चाल है बीजेपी का। मान लिया सर, मान लिया हर तरफ से अफवाह फैला दिया जाए और वोट को अपना सब कब्जा कर लिया जाए। ये तो बीजेपी का मनसा शुरू से रहा है और अब वही चल रहा है अभी तक। पिछली बार हेमंत सोरेन हार गए थे लगभग 5,000 वोट से, क्या इस बार क्या? इसलिए हेमंत सोरेन हार लिया, अगला बार हेमंत सोरेन को लोग नहीं पसंद किया, इस बार पूरा जोर के शौर के साथ हेमंत सोरेन का इस बार लोग तहे दिल से मदद पसंद कर रहे हैं लोग। क्या नाम है सर? मेरा नाम के बीजा हुआ। अच्छा, क्या मुद्दा है दुमका का, क्या समस्या है? दुमका में सारी समस्या ही समस्या है। अभी तक किसी भी समस्या का, दुमका उपराजधानी बना और उपराजधानी की कोई सुविधा दुमका में उपलब्ध नहीं है। आप सरकार किसी की बना दीजिए, लेकिन सीधी बात यही है कि दुमका का जो समुचित विकास होना चाहिए था उपराजधानी के तौर पर, वो नहीं है, कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी प्लेटफॉर्म पर आप आएंगे नहीं मिलेगा। जहाँ तक चुनाव की बात है तो ये तो जान रहे हैं कि पब्लिक कभी भी बदलाव चाहती है, हो सकता है कि इस बार बदलाव हो जाए। मोदी जी कल आए थे, रैली किया, उसका कोई असर है? हाँ, मोदी का असर तो है, मोदी का असर है। और आप जान लीजिए कि मोदी जहाँ जहाँ गए, आप पीछे MP के चुनाव की बात करेंगे तो देवघर की भी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से निशिकांत दुबे थे और आपके यहाँ सुनील सोरेन, ये मोदी का ही प्रभाव था कि दोनों सीट उन्होंने लिया। उनकी वजह से ये दोनों सांसद जीते, ये इसमें सांसद का कहीं अपना कुछ नहीं है, ये जो कुछ है वो मोदी का है। तो इस बार भी जनता मोदी का चेहरा देख के ही वोट करेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100% जनता जो वोट करेगी वो मोदी का। समस्याएं आप बता रहे हैं फिर
कैसे हलोगे? आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं? हाँ, आज आप भी तो लोकल हैं। नहीं नहीं, हम बाहर से आए हैं। आप बाहर से आए तो आप देखे होंगे ना, आप इतने दिनों में दुमका के विकास को देखा होगा, क्या क्या विकास आपको मिला? आप तो बहुत बार घूमे होंगे, आप बताइए दुमका में क्या विकास हुआ? एक उपराजधानी के तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्या मिला उपराजधानी का? हमको तो आपने उपराजधानी का तौर तो दे दिया, दर्जा दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट उपराजधानी की सुख सुविधा हमको नहीं मिली, वो मिलना चाहिए। सरकार जिसकी भी बने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिसकी किसी की भी सरकार बने, लेकिन दुमका के तरफ लोगों का ध्यान होना चाहिए और विकास के लिए, दुमका के विकास के खातिर संथाल परगना, जहाँ आप सिद्धू कानू की बात करते हैं, फूलों की बात करते हैं, जिसकी भी बात करते हो आप, उसकी विकास को देखिए, उनका क्या योगदान रहा और आपका क्या योगदान है, आप इसको देखिए और आप उसकी बात कीजिए। सर क्या नाम है आप? अजय केसरी। क्या नाम है? अजय केसरी। क्या है यहाँ का मुद्दा, क्या है, लोग क्या देख करके वोट कर रहे हैं इस बार? एक्चुअली विकास जो करेंगे उसी के नाम वोट करेंगे हम लोग। हम लोग पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार रही है, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? जी काम तो हुआ है, एक्चुअली छुपा हुआ है, मतलब कि ऐसी ऐसी योजना है जो लोग जानते भी नहीं है। बहुत ऐसे काम हुए हैं मोदी जी के राज में जो लोग जानते नहीं है, काम बहुत हुई है, सड़क विकास हुई है, और भी बहुत तरह का योजना है जो कि लोग कोई नज़र में नहीं है, और अच्छी सरकार है, और आने वाले जो 20 तारीख को जो चुनाव है तो हम लोग को उम्मीद है कि उसी को वोट दिया जाए। शिबू सोरेन का यहाँ अभी भी प्रभाव है? असर तो है, मतलब कि ये कहा नहीं जा सकता है कि एक तरफा चुनाव है। हाँ कंपटीशन तो है, बिल्कुल कंपटीशन है। तो मोदी के आने से वो कुछ फासला बढ़ा है या नहीं? अभी भी है लड़ाई टफ? नहीं टफ तो है, टफ बिल्कुल टफ है। आप क्या करते हैं सर? जी मैं, ये मेरा दुकान है। अच्छा, आपकी दुकान है। आप जी कैसी चल रही है दुकान आज? बहुत ही अच्छी जी चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद है। अच्छा क्या करते हैं? मैं मोबाइल मैकेनिक हूँ। अच्छा मैकेनिक है, दुकान। हाँ जी, लेकिन मैं कुछ हट के कहना चाहता हूँ कि मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपका कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखा, लल्लनटॉप द बेस्ट ऐप, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपके एक वीडियो देखा था जिसमें आपने अरब के कुछ एक्सप्लेन किए थे, शायद आपको याद नहीं होगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा, गुड लक। क्या नाम है आपका? धनंजय यादव। वोट देते हैं? वोट हाँ, इस बार लिस्ट में नाम है मेरा। अच्छा इस बार पहली बार? हाँ पहली बार वोट देंगे। तो क्या देखेंगे वोट देने से पहले? इस बार थोड़ा चेंजिंग चाहते हैं हम लोग। अच्छा चेंज चाहते? चेंज चाहते हैं, झारखंड में जो है चेंज चाहते हैं। झारखंड, पूरे झारखंड? पूरे झारखंड में चेंज चाहते हैं। और इस बार जेएमएम का जो है ज़्यादा पकड़ है, झारखंड में ज़्यादा है, दुमका में भी ज़्यादा है। 16 सीटें हैं ये संथाल परगना में, 16 सीट में लगभग हमको लगता है 10 से ऊपर जेएमएम का जो है, और गठबंधन महागठबंधन का बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ एकदम है, क्योंकि स्टूडेंट जो ज़्यादा जो है युवा वोट जिधर ज़्यादा जाता है उधर का ही जो है जीत होता है, प्रत्येक बार यही देखने को मिल रहा है। और मोदी आने से यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा इस बार, कुछ मोदी की रैली से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, आदमी ने पहले ठान लिया तो मोदी बाद में आके क्या कुछ थोड़ा होने वाला है। आदमी ने पिछले बहुत दिन से जो है ठाना हुआ किसको देना वोट नहीं देना है, तो इस तरह। दादा क्या नाम है आपका? हेमंत सोरेन, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हमारा अजय शर्मा। अच्छा आप बीजेपी के वो हैं क्या समर्थक? हम बीजेपी के समर्थन नहीं है। अरे लगाए तो वही हैं। नहीं तो मेरा तो चार साल से। अच्छा 4 साल से लगाए हुए। अच्छा तो क्या देख करके सर वोट करते हैं, मुद्दे समस्या? हम लोग हेमंत सोरेन का आदमी है। अच्छा आप हेमंत सोरेन के आदमी, देखिए आपने उन्हीं को वोट देना है, उन्हीं को देना है। आपने ये जो है बीजेपी का पहना हुआ है ये फॉल्स है, 4 साल से मेरे भाई हम पहनते रहते हैं बराबर। ठंडा में गरीब को दिया बांधने के लिए, बेचारा गरीब आदमी बांध कर रखा ठंडा से बचे। आप हैं हाँ शिबू सोरेन का आदमी, कितना असर है उनका गुरु जी का यहाँ पे? अभी वही जीतेंगे अभी। अच्छा उनके बेटे में हाँ पूरा चांस उसी का। अच्छा क्या सर क्या नाम है? शशि उपाध्याय। क्या क्या है दुमका में, लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? नहीं विकास तो हुआ है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो विकास नहीं हुआ है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय बना है, सड़कें बनी है, मेडिकल कॉलेज खुला है। कल मोदी जी रैली के आप गए थे क्या? जी हाँ गए तो थे, जी बहुत भीड़ थी, बहुत जबरदस्त अंकल। कैसे हैं आप लोग? ठीक है अच्छा ठीक। क्या नाम है सर आपका? शंकर प्रसाद। अच्छा
ये बीजेपी का आप पहने हुए बीजेपी कोड देते हैं क्या? हाँ, कमल का। अच्छा, लुईस मरांडी ने कोई काम कराया 5 साल में? बहुत काम कराया। नहीं नहीं कराया तो वोट उन्हीं को देंगे? हाँ। काम नहीं करा फिर भी? हाँ। अरे आप भी? हाँ। अच्छा, तो मतलब काम करने वाले नेता पसंद नहीं है? ना, कमल था हमको पसंद है। अच्छा। नरेंद्र मोदी हम पसंद है। गेहूँ चावल खिलाता है नरेंद्र मोदी। अच्छा। गेहूँ चावल देता है, गैस दिया है। जो है ना सर, अभी सिर हो गया, समझ गए ना? गैस दिया है, गैस को चुला दिया है। बोलना नहीं चाहता है। चावल दाल रघुवर सरकार दे रहे हैं ना, रघुवर दास जो सीएम है यहाँ के। हाँ, वही दे रहा है। अच्छा, मोदी जी की कल रैली थी, सुने आप उनको? नहीं गए थे। नहीं गए थे? भीड़ में कौन जाएगा? भीड़ में जा नहीं सका। अच्छा, आप गए थे क्या? हाँ, आप गए थे। हाँ, इसको नहीं ले गया था। बोलिए ना, झूठ बोलता है। पूरा भीड़ था, बोलिए ना। तो अभी आप दुमका के लोगों को सुन रहे थे। ये शिबू सोरेन का गढ़ है, जहां से हेमंत सोरेन दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने जो रैली की है उसके बाद यहां पर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हालांकि फिर भी लड़ाई जो है एक तरफा नहीं है और इस बार भी मुकाबला दोनों के बीच टफ होने वाला है। मैं हूँ डेविड और कैमरे के पीछे अमितेश। मिलते हैं अगले पड़ाव पर। थैंक यू।